वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। क्या गाइस आप भी है कि यहाँ पे नेक बैंड सर्च कर रहे हो आपके बजट में बैठने वाला, तो पास है बोट्स रॉकर 250 पाई प्रो प्लस। तो बेसिकली इसके अंदर गाइस आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, क्या आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इसे डिजाइन के बारे में बात कीजिए। तो डिजाइन इसका काफी अच्छा है, मतलब एकदम लाइट वेट आप इसे बोल सकते हो, आराम से कैरी कर सकते हो, आपके नेक पे थोड़ा भी पेन नहीं देगा। और इसका जो प्लास्टिक और जिस रबराइज मटेरियल है आपको थोड़ा भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाला। राइट हैंड साइड में आपको सब इसी में बटन मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा आप इसे कर सकते हो, प्लेन पॉज भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको ये सब फंक्शन मिल जाते हैं। इसके वेट के बारे में बात किया तो यहाँ पे 32 ग्राम्स का ये आपको मिल जाता है, काफी ज्यादा लाइट वेट इसे बोल सकते हो। इसके अंदर आपको मैग्नेटिक कनेक्शन भी मिल जाता है। फीचर्स के बारे में बात कीजिए तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग में मिल जाती है, मतलब आप जिम बिम में कहीं भी इसे यूज कर लो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। थोड़े भी छीटे वीटे गिर जाएंगे पानी में तभी कुछ दिक्कत नहीं आने वाले। 1 ईयर की वारंटी तो आप इसके अंदर मिल ही जाती है, आप इसे घर बैठे रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक भी मिल जाती है, जो माइक की क्वालिटी भी अच्छी है। हमने इसकी माइक की क्वालिटी भी टेस्ट की, आपको यहाँ पे एंड में आपको देखने मिल जाएगी। इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी बैटरी बैकअप मिल जाती है, 40 आवर्स का टोटल प्लेबैक मिल जाता है, मतलब इसे आप यूज करोगे आपको 40 घंटे का मस्त बैकअप मिल जाएगा। और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप 10 मिनट लगाओगे आपको यहाँ पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। ये मुझे काफी अच्छी लगी फास्ट चार्जिंग के बारे में बात की जाए। तो म्यूजिक टेस्ट के बारे में बात किया तो इसे मैं 1 मंथ से ज्यादा इसे यूज कर रहा था। इसके अंदर पूरा बैलेंस सब मिल जाते हैं, जैसे ट्रेबल्स हो गया और बेस थोड़ा हैवी आप जिसे बोल सकते हो। अगर आप बेस लवर हो तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। बेस इसका कैसा है, मतलब धाप डुक वाला एकदम है, मस्त का से एकदम बेस निकल के आ जाता है। ट्रेबल्स थोड़े एकदम मिंट्स थोड़े कम इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे माइक की क्वालिटी भी अच्छी है, इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक भी मिल जाता है, आप इसे आराम से बात कर सकते हो। ईयरएक्स टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया हुआ है, मतलब आपको इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी माइक इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो काफी अच्छी इसके अंदर लगी। और यहाँ पे गेमिंग की बात की तो यहाँ पे 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी भी मिल जाती है, बट लेटेंसी इतनी खास नहीं लगी, 50 मिलीसेकंड इससे थोड़ी कम होती तो अच्छी बात रहती थी। अगर आप यहाँ पे प्रो गेमर हो तो आप इसे मैं कंसीडर नहीं करना चाहता आपको, अगर आप नॉर्मल सी गेमिंग करते हो और म्यूजिक अगर ज्यादा सुनते हो तो आप इसे ले सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट के बारे में बात किया तो आपको यहाँ पे आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हो या फिर ज्यादा आप कॉलिंग में बात करते हो तो आप यहाँ पे आप इसे कंसीडर कर सकते हो, बट गेमिंग के लिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करना चाहता। आप नॉर्मल गेमिंग करते हो चलो ठीक है, और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, IPX7 की रेटिंग भी मिल जाती है, और मतलब ओवरऑल इसे आप बोल सकते हो एक ऑलराउंडर है, और यहाँ पे बजट फ्रेंडली मिल जाता है। सो अगर वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। माइक क्वालिटी की बात की जाए तो आप ही मैंने यहाँ वेयर की है बोट्स के रॉकर 225 प्रो प्लस। क्या इसकी माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्थ इट है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। क्या यह कॉलिंग में पैसा वसूल कर पाएगी या फिर नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट आपके हिसाब से क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।